आखिर बच्चा ठीक है, नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो सारी उसकी जांच होती है। देखिए दोस्तों, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, आपका बच्चा पैदा होता है, शिशु जन्म होता है, तो शिशु जन्म के समय बच्चे का वजन कितना है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपके शिशु का वजन अगर बहुत कम है या फिर बहुत ज्यादा है, 9 महीने के दौरान गर्भ में शिशु का वजन आखिर कितना होना चाहिए, कितना आदर्श होता है, नॉर्मल होता है, जो कि शिशु के लिए बिल्कुल हेल्थी भी होता है, शिशु बिल्कुल सामान्य होता है समय। तो अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको भी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके बच्चे का वजन आखिरकार डिलीवरी के समय कितना होगा। तो जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा, स्वागत है आपका अपने इस चैनल प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन में इस नई वीडियो के साथ। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, तो वीडियो पब्लिश होने के 1 घंटे के भीतर सवाल जवाब करेंगी तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अगर फास्ट रिप्लाई चाहती है तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, जिसका आईडी आपको जस्ट वीडियो के आगे फ्लैश हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जब शिशु पैदा होता है तो उस समय उसका नॉर्मल वेट कितना होता है, जो बिल्कुल सही होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके बच्चे का जो वजन है वो 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो तक का है, इसके बीच में कुछ भी आपके बच्चे का वजन होता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं होती है। तो 9 महीने यानी कि फुल टर्म में पैदा हुए 80% बच्चों का वजन 2.5 से लेकर 3.5 किलो तक ही होता है। लेकिन पैदा हुए बच्चे का वजन अगर कम है या फिर ज्यादा भी है तो भी ये नॉर्मल हो सकता है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर इसे अपनी देखरेख में रखते हैं कि आखिर बच्चा ठीक है, नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो सारी उसकी जाँच होती है, उसके बाद पता चलता है कि बच्चा नॉर्मल है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे का वजन कम होता है लेकिन वो नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों कि बच्चा ड्यू डेट के बाद भी पैदा नहीं हो पाता है, या फिर कई बार क्या होता है कि बच्चा प्रीमेच्योर हो जाता है, तो ऐसे में शिशु का वजन बहुत अधिक या फिर बहुत कम हो सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कारकों के बारे में जिससे बच्चे का वजन जन्म के समय प्रभावित हो जाता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि अगर बच्चा जो है ड्यू डेट पे पैदा ना होके कुछ और समय लेता है, तो ऐसे में क्या होता है कि गर्भाशय में ही शिशु का आकार बढ़ने लग जाता है, बच्चा वजनी होने लग जाता है, तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी हो जाती है, ऐसे में बच्चे का वजन बढ़ जाता है। ऐसे ही ठीक जब बच्चा 9 महीने से कुछ समय पहले ही पैदा हो जाता है, यानी कि प्री टर्म बच्चा होता है, तो ऐसे में बच्चे का वजन कम रहता है, बच्चा थोड़ा सा अविकसित रहता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर महिला को हार्ट प्रॉब्लम है या फिर हाई बीपी का प्रॉब्लम रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ऐसे में शिशु जन्म पर बच्चे का जो वजन होता है वो कम रह सकता है। वहीं अगर महिला को डायबिटीज की शिकायत होती है तो ऐसे में बच्चे का वजन बढ़ सकता है, बच्चा मोटा पैदा हो सकता है, क्योंकि बच्चे में मोटापा कहीं ना कहीं आ चुका होता है। शिशु जन्म के समय जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों के मुकाबले हाइट में थोड़ी सी छोटी हो सकती हैं। आइए दोस्तों, अभी भी जान लेते हैं कि प्रीमेच्योर बर्थ क्या होता है, कैसे बच्चे होते हैं प्रीमेच्योर में। देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे जो होते हैं 9 महीने से ठीक 1 या फिर 2 हफ्ते पहले पैदा हों तो उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो बच्चे क्या होता है कि 7वें महीने में जन्म ले लेते हैं, 8वें महीने में जन्म ले लेते हैं, वो बच्चे प्रीमेच्योर बच्चे कहलाते हैं। ऐसे बच्चों का विकास जो है वो गर्भ में नहीं हो पाता है, अधूरा रह जाता है, कुछ बिंदु कुछ पॉइंट्स जो होते हैं बच्चों के विकसित होने से रह जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, उनको ऐसी मशीन में रखा जाता है जिससे कि उनका विकास ठीक उसी तरीके से हो जैसा कि गर्भ में शिशु का विकास होता है, उनकी केयर ठीक वैसे ही हो जैसे कि वो गर्भाशय में ही हो, तो इस तरीके से बच्चे को यहाँ पे विकसित किया जाता है। तो प्रीमेच्योर बच्चे जो होते हैं वो लगभग 7 से लेके 8 महीने में पैदा हो जाते हैं, जन्म से पहले, डिलीवरी डेट से पहले ही पैदा हो जाते हैं, और इनमें आगे चल के कमजोरी भी रहती है और कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी रहती हैं। लो बर्थ वेट क्या होता है या फिर वेरी लो बर्थ वेट क्या होता है? देखिए दोस्तों, जैसा प्रीमेच्योर बच्चा होता है जब वो पैदा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो विकास है वो सही से नहीं हुआ होता है, तो उस वजह से उसका वजन भी नहीं बढ़ पाता है। तो लो बर्थ वेट का मतलब है कि अगर आपका बच्चा 2.5 किलो से कम वजन का पैदा हुआ है तो ऐसे बच्चे को लो बर्थ वेट कहा जाता है। वेरी लो बर्थ वेट में क्या होता है कि बच्चे का वजन 1.5 किलो से भी कम होता है, ऐसे बच्चे को वेरी लो बर्थ वेट वाला बच्चा कहा जाता है। ऐसे बच्चों को जो है डायरेक्ट पेरेंट्स को नहीं सौंपा जाता है, ऐसे बच्चों को दोस्तों NICU में रखा जाता है जहाँ पे डॉक्टर द्वारा इनकी केयर होती है। जब बच्चा स्वस्थ हो जाता है, वेट गेन कर लेता है, तो उसके बाद ही उनको पेरेंट्स को सौंपा जाता है। तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि शिशु जन्म पर आपके बच्चे का वजन कितना होना
चाहिए जो कि नॉर्मल है। कम है तो क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे बच्चे को केयर की जाती है, तो अब आपके हाथ में है दोस्तों कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपनी केयर किस तरीके से करनी है, अपना रख रखाव कैसा करना है ताकि आपके गर्भ में शिशु जो है वो हेल्दी रहे, आप एक हेल्दी बच्चे को जन्म दें। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल पे शिशु जन्म, शिशु के वजन बढ़ने से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।